हेलो जी, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, और आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत देर से कह रही हूँ पर मैं वीडियो अपलोड कर ही नहीं पाई, और इधर कैसा ही हो रहा है आपके उधर मौसम? कैसी आपकी नए साल की शुरुआत रही बताइएगा ज़रूर। मैंने छोटी सी कोशिश कर रखी है अपना काम आप सभी को दिखाया। अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कहीं पे कोई गलती हो तो उसके लिए माफ़ करें। हेलो एवरीवन, मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया। कढ़ाई में ये पत्ता गोभी, हरी मिर्ची, शिमला मिर्ची, प्याज और मटर डाल दिए। इनको थोड़ा पकने दूँगी। उसे थोड़ा पकाने के बाद मैंने डाल दिया चाउमीन। ये डाली मैं सोया सॉस और विनीगर, थोड़ा सा अजीनोमोटो, ये सब मैंने डाल दिया। नमक मैंने पहले सब्ज़ी में डाल दिया था, जो सब्ज़ी कट के डाली थी उसमें मैंने नमक और मिर्ची डाल दी थी। अब मसाला मैंने सब कुछ डाल दिया। मैं इसे हिला रही हूँ। अब इसे सारा हिलाना है। मैं इसे ना कांटे वाला चम्मच होता है जो, उससे हिला रही हूँ एक साइड से, इससे सही रहता है। देख सकते हो आप, और चाउमीन एकदम खिले खिले से बनना है। चाउमीन वाला स्पून ये ना, इससे जब हम मिक्स करते हैं तो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। मैं हमेशा इसी से मिक्स करते हैं, मेरे को अच्छा लगता है इससे मिक्स करने में। और हम मसाला एक अच्छे से मिक्स हो जाता है चाउमीन में। और हम जब भी चाउमीन खाते हैं घर ही में बना के खाते हैं, बाहर से नहीं लेके आते, और हमेशा मैं ही बनाती हूँ। घर में सबका मन कर रहा था कि चाउमीन खाते हैं, तो हम चाउमीन बोल रहे थे लोग कि चाउमीन बना ले, तो मैंने सोचा आज चाउमीन बना ही लेते हैं। हम बना रहे हैं चाउमीन। देख सकते हो इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है, एकदम बाजार की तरह लग रहे हैं ना। देखिए आप भी ट्राई करें। और मटर डाल के तो बहुत अच्छा लगता है। मटर वटर सब्जियाँ अगर इसमें पड़ी हो ना ज़्यादा, बहुत अच्छा रहता है। और यहाँ पे ओके तैयारी, आ जाओ आप भी खाओगे, हम चाउमीन खाएंगे गरम गरम। अभी बज रहे होंगे 3 के 4-5, और इस टाइम पे हम बिस्तर में बैठे थे, ठंडा हो रहा काफ़ी, तो मैंने सोचा बैठे बैठे मटर छिल लेती हूँ। होता ये ना, मटर छिल के रख दो तो हमें कभी कुछ बनाना है तो सही रहता है, आसान रहता है, और इससे मटर ख़राब भी नहीं होती। वैसे रख दो तो मटर ख़राब हो जाते हैं। मैंने कहा यहीं पर बैठ के मटर छिल लेते हैं। अब बच्चे दोनों सो गए, और मैं शाम की सब्ज़ी भी काट रही हूँ साथ में। इनके बैठे बैठे सारा काम हो जाए, नहीं पड़ जाए तो सही है, फिर बच्चे जग जाते हैं फिर काम करने के लिए दिक्कत हो जाती है। और आज बनाएंगे राई की सब्ज़ी। अभी मैं इसे काट कूट के अच्छे से रख दूँगी। दिन में सब्जी कटी हो तो फिर शाम के लिए सही रहता है, और शाम को फिर बच्चे उठ जाते हैं तो फिर परेशान भी करते हैं। हरी सब्जी हमारे घर में सबको पसंद है, हम बनाते रहते हैं। मैं
नीचे बैठने के लिए बहुत ठंडा था क्योंकि बारिश के छींटे भी पड़े थे आज। मैंने कहा तो ऊपर ही बैठ के काट लेते हैं, बच्चे सोए थे इसलिए। और यहाँ पे ना मेरी चाकू कम लग रही, इसमें धार कम हो गई है तो मैं इसमें धार खुदी से लगा लूँगी। ये नमक पीसने वाला और इससे मैं लगाऊँगी धार इस तरह से, और इससे बहुत अच्छी धार आ जाती है। मैं हमेशा इसी से धार लगाती हूँ इसमें। अब देखिए कितने अच्छे से काटने लगती चाकू। लग रही है ना बहुत तेज अभी करने धार लगाने। और हम जब ड्रिलिंग होती ना किचन वाली स्लीप होता है उसमें भी धार लग जाती है वैसे, या फिर नमक पीसने वाला पत्थर होता है उसमें, उससे भी लगा सकते हैं धार। मार्केट की सोचो तो फिर ये होता है कि भूल जाते हैं, कभी जाना होता मार्केट तो भूल जाते हैं चाकू ले जाना उसमें धार लगाना। मैं हमेशा से घर में ही लगाती हूँ, और 1 महीने तक अच्छे से चल जाती। और मैं सारी सब्जियाँ काट लूँगी इसी तरह से, एकदम बारीक बारीक काट रही हूँ। ये होगी शाम के खाना बनाने की तैयारी। मैं कटी हुई थी ना राई दिन में, तो मैं अभी सब्जी बना रही हूँ इसको। मैंने तेल डाल के मिर्च डाला था, हरी मिर्ची डाली थी मतलब मैंने, और एक कढ़ाई से ऊपर हो गया। इसमें मैंने नमक डाल के ढक्कन लगा दिया था, ये देख सकते हो नमक दिख भी रहा है क्योंकि उस वक्त हिलाने का वो था नहीं, उसमें स्पेस नहीं थी इतना कि सब्जी को हिला पाते, तो मैंने ऐसे चप्पन लगा दिया था इसमें ढक्कन। अब थोड़ा सा पकने के बाद देख सकते हो अभी अच्छे से हम सब्जी को हिला सकते हैं। ये देखिए, और हम फिर से ढक्कन लगा के इसे पकने के लिए छोड़ देंगे, और बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे। हेलो एवरीवन, और मैं बना रही अभी हूँ खाना, बना रही हूँ खाना। सब्जी और सब्जी करीब मेरी पक चुकी है करीब करीब। और आज बना रही हूँ मैं मंडवे की रोटी, हरी सब्जी और मटर की रोटी तो बहुत अच्छी रहती ना, देख सकते हो आप। और मैं बीच बीच में सब्जी चेक करते जा रही हूँ, ये देखिए सब्जी हमारी पक चुकी है करीब। मंडवे की रोटी तो बहुत अच्छी रहती है, अगर मंडवे की रोटी खाओ ना फिर गेहूँ की रोटी में वो टेस्ट नहीं रहता, फिर तो गेहूँ की रोटी खाई भी नहीं जाती अगर मंडवे की रोटी खा लो तो। ये और यहाँ पे हम खाने के लिए तैयारी कर चुके हैं। आप सब कैसे हो? हम खाना है, अभी खाना हमने तैयार करके रखी है। बाय बाय, हम खाते हैं अब। गुड नाइट।